हम लोग काउंट करेंगे कितना है, 1 2 3 4 5, ये है रो 5। अच्छा रो 5 मैंने कंप्लीट कर दिया है, मैंने शुरुआत किया यहाँ से, देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग किया जो आपका पफ स्टिच है और मेरा ख़त्म हुआ हाफ डबल क्रोशे में। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जो पहला स्टिच है हम लोग का यहाँ पे लेके स्लिप स्टिच में करूँगी, ठीक है। फिर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे और एक स्लिप स्टिच यहाँ पे देके हम लोग जनरली शुरू करते हैं हम लोगों का पफ स्टिच, हम लोगों का पफ स्टिच। लेकिन क्योंकि ये मैं छोटे साइज का बना रही हूँ तो आपको वैसे ही कंटिन्यू करना है। क्या करना है, स्लिप स्टिच करके एक पफ, मतलब रो 6, ओके। तो वहाँ पे फिर नेक्स्ट आपको करना है एक हाफ डबल क्रोशे, फिर आपका बैक पोस्ट डबल क्रोशे, फिर और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे, क्योंकि आपको अभी इसको बड़ा करना है। ये मेरा टोटल 5 इंच का है, ठीक है, मेरा 5 इंच का है, मैं एक छोटे डॉल के लिए बना रही हूँ। लेकिन आप प्रिफरेबली ये कीजिएगा अप्रोक्सीमेटली जब तक 10 इंच का नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट के हिसाब से, अगर मान लीजिए आपने मेजरमेंट लिया है, आपका सर का साइज है 22 इंच और आपने 10 इंच सर के ऊपर रखे और ये थोड़ा सा छोटा हुआ, तो आप उसको बड़ा भी कर। रो 6 में सेम एक यहाँ पे देख सकते हैं स्लिप स्टिच करना है, फिर 2 पफ करना है, स्लिप स्टिच 2 करके चेन 1 करके यहाँ पे 2 पफ करना है, फिर 1/2 डबल क्रोशे, 3 बैक पोस्ट डबल क्रोशे, फिर 1/2 डबल क्रोशे पफ, ओके। आप अगर कोई भी कितना भी रो ऊपर जाएं, आप कितना भी रो ऊपर जाएं, याद रखिएगा ये पफ और ये पफ, दो कोई भी 2 पफ के बीच में पहला वाला स्टिच और यहां से पहला वाला स्टिच या फिर एंड वाला स्टिच, आपका हमेशा हमेशा हाफ डबल क्रोशे होना चाहिए। जितना आप लेयर बढ़ाते जाएंगे वहां पे बीच में ही आप क्या करेंगे, बीच में ही आप देंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशे। याद रखिएगा 2 पफ के बीच में पहला और आखिरी स्टिच हमेशा हमेशा आपका होना चाहिए हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से बड़ा करिए, मैं ये इतना की हूँ। हम लोग उसके बाद देखेंगे ये जो कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर उबड़ खाबड़ है, हमको परफेक्ट राउंड बनाना है, ठीक है, परफेक्ट राउंड बनाना है। अभी क्या करेंगे, आपका पूरा 10 इंच आपने कर दिया है, 10 इंच के बाद हम लोग इसको सर्कल लाएंगे। तो क्या करना है, जैसे मेरे को और नहीं बड़ा करना है तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये है मेरा रो 7, लेकिन आप अपने हिसाब से कीजिएगा काउंटिंग रो कितना है। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच करके चेन 1 किया, यहाँ पे मुझे पफ स्टिच करना है 1 2 3, चेन 1, 1 2 3, ये 4। नॉर्मली मैं यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे और करूँगी नहीं, मैं यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशे करने वाली हूँ, जैसे हम लोग किए थे। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ठीक है। आपका जितना भी स्टिच होगा आप बैक पोस्ट डबल क्रोशे करके इसको प्लेन राउंड बनाएंगे 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3, चेन 1। अभी हम लोग बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, ये यहाँ से गया, यहाँ से ये 1, फिर से यहाँ से जाके ये स्टिच के बीच में ये रहा दूसरा, ठीक है।
आप देख सकते हैं ये सर्कल बन रहा है, आपका कोई ऐसा स्क्वायर वेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।